नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य जागेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा बेचकर भी खुश था तो दूसरा उसे खरीदकर और तीसरा गुब्बारे को फोड़कर, इसलिए जो खुशी होती है दोस्तों वो पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, जैसे कि आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा कि वर्ष 2024 मेष राशि के जातकों के लिए इतना खास क्यों है, ऐसा क्या है जो मेष राशि के जातकों होकर रहेगा वर्ष 2024 में, क्यों है आखिर सभी सालों के अकॉर्डिंग 2024 इतना खास, ऐसी क्या ग्रह की स्थितियां बन रही है आपकी राशि में, हम ये जानेंगे और मुख्य मुख्य प्रश्न जो होते हैं उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, जो आपके प्रश्न होते हैं सिर्फ उसके ही चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले कि कैरियर कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों वर्ष 2024 में, और दूसरा ये जानेंगे कि मेष राशि के जातकों पढ़ाई कैसी होगी, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024। तीसरा हम जानेंगे कि स्वास्थ्य कैसा दिख रहा है वर्ष 2024 में, और चौथा रिश्ते नाते के बारे में हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा, और व्यापार वगैरह, नौकरी वगैरह, भाग्य वगैरह जानेंगे। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप फोन करके करवा सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मेष राशि के बारे में, मजा आएगा। मेष राशि 12 राशियों में से सबसे पहली राशि है और इनके जो स्वामी है मंगलदेव, जो कि इन्हें सेनापति का प्रतिनिधित्व प्राप्त है कुंडली में, ज्योतिष में मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, इन्हें सेनापति का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी कि इन्हें सेनापति का नेतृत्व मिला है। 2024 में ये राशि परिवर्तन करेंगे और ग्रहों के साथ युति भी बनाएंगे। साथ ही 2024 में शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि आपके लाभ भाव पे, इनकम भाव, एकादश भाव पे गोचर करेंगे, और आपके स्वयं की राशि मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति 2024 में रहेंगे अप्रैल महीने तक, और 1 मई से ये आपके दूसरे धन भाव पे, दूसरे भाव पे गोचर कर जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि पे गोचर कर जाएंगे, और राहु केतु मीन कन्या पर गोचर करेंगे, यानी आपके छठे और आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। चलिए आप डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर बता दें कि जैसे अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं मेष राशि के जातकों, कोई कोचिंग वगैरह आपने ले रखा है, कोई क्लास ले रखा है, लेकिन उस क्लास के साथ साथ आप कोई दूसरी चीज भी पकड़ सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। आप इसमें निर्णय को लेकर मतभेद रहेंगे, अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट दिखाना और एनालिसिस करना, रिसर्च की फील्ड में जाना, गहन अध्ययन करना, ये अच्छा देखा जाएगा विद्यार्थियों के लिए 2024 में मेष राशि जातकों। और इसके साथ ही साथ अगर हम पढ़ाई की बात करें तो विद्यार्थियों की, तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई भी काम ना करें, क्योंकि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी आपको थोड़ा सा डाउन कर सकती है, पीछे ले जा सकती है। मतलब जल्दी किसी बात पर बिलीव कर लेना, किसी की बात में मान लेना, जल्दी से कहते हैं ना कि आपको जो भी करना है, तो अपने दिल की सुनो, अपने टैलेंट को देखो, अगर ऐसा करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन अगर किसी की बातों में आकर करेंगे 2024 में तो सामने वाला कहीं ना कहीं आपको परेशान भी कर सकता है। तो किसी के बातों में ना आए। पढ़ाई में मुझे आपकी सही दिख रही है, लेकिन आलस भी बना रहेगा। इंसान सोचता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन टालने की आदत हो जाती है। टालने की और सोचने की जो, यानी कि आप सोचेंगे कि ये सही हो रहा है, तो जब ऐसे ख्याल आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी भी आता है, क्योंकि सामने वाला आपका फ़ायदा भी उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा। जी हाँ, मेष राशि को 2024 में गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं, मैनेजमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा। कोई परीक्षा है गवर्नमेंट में तो यहाँ पर आपको 80% चांसेस बने रहेंगे और आपका क्लियर भी हो जाएगा। पेपर वगैरह अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो वो क्लियर होगा। अगर हम बात करें आपके रिश्ते नातों की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, तो दोस्तों मेष राशि के जातकों मैरिज लाइफ को लेकर 2024 में एवरेज रहेगा, लव लाइफ को लेकर भी एवरेज रहेगा, मिला जुला रहेगा, न बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और न ही बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, यानी कि औसतन ठीक ठाक रहेगा।
प्रेम जीवन में तो थोड़ी सी दूरियां बन सकती है, लेकिन अगर आप सहूलियत से काम लेंगे तो अपने पार्टनर को मनाकर भी आप शादी विवाह के लिए उनके सामने प्रस्ताव रख सकते हैं। वहीं जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जिनके पास संतान नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी। तो मेष राशि को 2024 आपके लिए ये लेकर आएगा संतान वगैरह, कई अच्छे परिणाम भी लेकर आएगा, कई अच्छे आपको धन प्राप्ति के योग भी दे रहा है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अनेक अवसर प्राप्त होंगे, अनेक आपको लाभ मिलेंगे और यहाँ पर बिजनेस व्यापार में आपको अत्यधिक लाभ होगा। जी हाँ, 2024 में बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ सैलरी वेतन में वृद्धि होगी। बड़े पद मिलने के आसार हैं। बड़ी कंपनियों से ऑफर आ सकते हैं। विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं, विदेश के योग बनेंगे। साथ ही साथ भाग का औसतन काफ़ी अच्छा रहेगा, भाग का साथ मिलेगा। बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा। लिखा पढ़ी का मामला सॉल्व होगा। राजनीतिक मसले हल होंगे। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। घर परिवार में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती है 2024 में और बड़े धन लाभ के योग बनेंगे। लॉटरी सट्टा से लाभ होगा और शेयर मार्केट में पहले से इन्वेस्ट कर रखा तो जबरदस्त लाभ होगा, या फिर आप कर भी सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ होगा। नए घर का निर्माण कर सकते हैं। घर की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे कार बनेंगे जो काफी समय से नहीं बन पा रहे थे। धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जो कार रुके हुए थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे। तो धन प्राप्ति के भी अनेक लाभ मिलेंगे, अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जो अभी तक कार नहीं हुए वो भी कार बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस समय का जो लाभ है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य, खान पीन पर चीजों का ध्यान रखें। थोड़ा सा आपको जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफ़ी फिट रहेंगे। वहीं थोड़ा सा फरवरी और मार्च के महीने में भी थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देखने को मिलेगी। हालांकि अप्रैल मई जून में जो अवैध जातक है उनके विवाह के योग रिश्ते आएंगे और घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, शादी विवाह का आयोजन होगा, घर में खुशियाँ रहेंगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, चाहे वो बिजनेस व्यापार हो या नौकरी हो। जनवरी के महीने से ही आपको धन प्राप्ति के अनेक अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। व्यापार में उपलब्धि प्राप्त होगी। जून का महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। मई के महीने में आपके घर में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे, दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा, घर परिवार में कोई महत्वपूर्ण कार्य होंगे, लगातार आमदनी के स्रोत से बढ़ेंगे। अक्टूबर और नवंबर के महीने में 2024 में धन प्राप्ति के साथ साथ रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। तो यह था मेष राशि को 2024 का महत्वपूर्ण राशिफल। तो दोस्तों, गाड़ी वाहन से दुर्घटना के भी योग हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मेष राशि को यह था आपके राशिफल 2024 का। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।